concept. That's why I am going to discuss in detail. Yes, in this chapter federalism, last topic is decentralization. आपको बच्चे फर्क पता होना चाहिए. What is the main difference between federalism and decentralization? Federalism का मतलब क्या होता है? कंट्री में दो लेवल या ज्यादा हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंटर एंड स्टेट. डिसेंट्रलाइजेशन जिस कंट्री में होती है, इसका मतलब क्या है? वहां पर सेंटर और स्टेट से कुछ पावर लेकर किसको दे दी जाती है? लोकल गवर्नमेंट को. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि पावर्स आर नॉट कंसंट्रेटेड ओनली इन सिंगल और डबल हैंड. दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स. लेवल्स कह रहे हैं, ऑर्गेन्स नहीं कह रहे. और ऑर्गेन्स होते हैं ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेवल्स हमने लेवल्स करने, और लेवल्स जो है वो अपर से लोअर, उसमें क्या होता है, पावर्स जो है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जाती है. जैसे अगर मैं बात करूं वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब होता है सेंटर, सेंटर से नीचे स्टेट, स्टेट से नीचे लोकल. ठीक है, अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल का मतलब होता है लोकल पीपल के लिए, सेल्फ का मतलब होता है अपने द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट. एंड ये जो है वो दो लेवल पे होती है, रूरल एंड अर्बन. रूरल का मतलब ये नहीं कि विलेज लेवल पे, रूरल में दोनों ही आते हैं, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट. इसका मतलब क्या है, जब हम रूरल की बात करते हैं तो इसमें विलेज की जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी आती है और डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है वो भी आती है. अगर हम अर्बन की बात करें तो अर्बन का मतलब है सिटीज. सिटीज जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है, बिग सिटीज एंड स्मॉल सिटीज. बिग सिटीज फॉर एग्जाम्पल जलंधर, स्मॉल सिटी. जलंधर से चंडीगढ़ जाने में रास्ते में कितने ही जो है वो टाउन आते हैं. ठीक है, तो वहां पे क्या होती हैं, स्मॉल सिटीज हैं. वहां पे होती हैं म्यूनिसिपैलिटी. बड़ी सिटीज में होती हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो स्मॉल सिटीज होती हैं वहां पे क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटीज. और कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं ना वो विलेज होते हैं, ना वो बिग सिटीज होते हैं, ना ही स्मॉल सिटीज होते हैं, लेकिन विलेज से ट्रांजिशन हो जाता है उनका. तो ऐसे कुछ एरियाज के लिए एक और अर्बन बॉडी हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं, नगर पंचायत. नगर मतलब सिटी कहते हैं उसको, लेकिन वो ना विलेज होता है ना वो स्मॉल सिटी होती है. उनके लिए क्या हो सकती है, नगर पंचायत. तो ये पूरा जो सिस्टम है दैट इज पंचायती राज. इसको क्या बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम. और ये हमारी कंट्री में 1992 के बाद चेंजेस जो इंट्रोड्यूस हुए तब हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ. और ये अमेंडमेंट कौन सी हुई थी, 73rd अमेंडमेंट. हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुआ था. राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम. लेकिन उसके बाद बहुत सी स्टेट्स जो हैं उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया. लेकिन 1992 के बाद इट वॉज मैंडेटरी. मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, इलेक्शंस का करवाना कंपल्सरी कर दिया. तभी भी हम कहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, मेजर चेंजेस कब इंट्रोड्यूस हुए, 1992 के बाद. बहुत से चेंजेस आपकी बुक में, बहुत से चेंजेस रिटर्न है ना. कौन कौन से चेंजेस रिटर्न है, नंबर वन, इनका इलेक्शन करवाने के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन विल बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूरी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में पंचायतों का इलेक्शन करवाना, कॉरपोरेशन का इलेक्शन करवाना कितना ज्यादा बिग टास्क है. तो हर स्टेट का अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन दे दिया गया. और वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी अपनी स्टेट में जो भी रूरल या अर्बन रिलेटेड इलेक्शन है वो करवाएंगे. फर्स्ट चेंज किया 1992 के बाद. और आपको पता है कौन सी कमेटी ने इसकी गाइडलाइंस, किस कमेटी ने इसके बारे में बताया था कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए? उस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम क्या था, बलवंत राय मेहता. ठीक है, एनटीएससी वाले बच्चों को तो पता ही होगा, और नहीं पता तो उसको नोट कर लो, बलवंत राय मेहता. एनटीएससी में ये क्वेश्चन आता ही आता है आपका, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. बलवंत राय मेहता कमेटी के जो हेड थे बलवंत राय मेहता, और उनकी कमेटी के मेंबर्स ने इनके बारे में थ्री टायर सिस्टम, यानी कि कंट्री में थर्ड टायर सिस्टम होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस और सारा डिटेल में जो रिकमेंडेशंस दी थी उन्हीं रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए 1992 के बाद ये सारे मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए. और क्या रिकमेंडेशन उन्होंने दी, नंबर टू, 1/3 सीट रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट. यानी कि
चाहे रूरल की बात करें, चाहे अर्बन की बात करें, चाहे पंचायतें हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, चाहे काउंसलर्स हैं, मेयर हैं, वन थर्ड सीट्स अगर दी जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कितनी ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में. ठीक है, मोर देन 5 लाख वुमेन दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और जिससे वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी. थर्ड, सम सीट्स वर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स, यानी कि मैंडेटरी कर दिया गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस में एससी एसटी के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व की जाएंगी. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या किया गया, रेगुलर इलेक्शंस. इससे पहले स्टेट्स जो थी वो रेगुलर इलेक्शन नहीं करवाती थी. एक बार जो विलेज का पंच बन गया, सरपंच बन गया, वो थ्रू आउट उनकी फैमिली में ही पंच सरपंच अपने आप बने रहते थे, प्रॉपर इलेक्शन नहीं होते थे. लेकिन 1992 के बाद हर विलेज में, हर सिटी में काउंसलर्स, मेयर्स, पंचायतों का इलेक्शन करवाना मैंडेटरी कर दिया. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो चेंजेस आपने याद करने हैं. ठीक है, और पूरा टेबल आपने अच्छी तरह से याद करना है. टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है. सबसे पहले आपने ऊपर याद रखना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो थर्ड टायर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, पंचायती राज भी कह सकते हैं. पंचायती राज को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए. अर्बन के लिए जो लोकल बॉडीज होती है मैंने आपको 3 बताई है. मेन नंबर 1 है म्युनिसिपैलिटी. छोटी सिटीज जो होती है, स्मॉल सिटीज हैं, लाइक नवा शहर से आगे आप जाओ बहुत ही छोटी छोटी सिटीज है. उन सिटीज में जितने भी आप डस्टबिन के लिए बड़े बड़े वो कैरेजेस देखते हो ना, उनपे लिखा होता है येलो कलर के बॉक्स होते हैं म्युनिसिपैलिटी. तो लोग बोलते हैं ना कि हाँ जी ये ऐसा ही म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में जाना है, वट एवर. इसका मतलब क्या है, वहां पे लोकल सेल बॉडी कौन सी होगी, म्युनिसिपैलिटी. जलंधर में, जलंधर के अंदर क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. इसका बेस्ट एग्जांपल मिलता है आप सभी बच्चों का वार्ड. ठीक है, सबका वार्ड अलग अलग है. मे बी अगर एक कॉलोनी में रहते तो वार्ड सेम होगा, लेकिन आप सब बच्चों को अपने वार्ड का नंबर पता होना चाहिए, वार्ड नंबर, क्योंकि वो लोकल की शुरुआत है, वो आपका एक रूट लेवल है. आपकी गली में कोई प्रॉब्लम है, कॉलोनी में प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कल को अगर आपने वोटर कार्ड या आधार कार्ड, बट एवर कोई भी छोटी छोटी बातें हैं, इनके लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ता है, आपके काउंसलर. तो काउंसलर कौन है, वो आपके वार्ड रिप्रेजेंटेटिव. तो इलेक्शन कब होते हैं, आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स इलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन आर कंडक्टेड, और आपके वार्ड में से अलग अलग जो मेंबर्स हैं काउंसलर्स के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं, और उनमें से सिर्फ एक पर्सन जीतेगा, एंड ही और शी विल बिकम द वार्ड काउंसलर. और टोटल सपोज हमारे जलंधर में अगर 50 वार्ड काउंसलर हैं तो कितने काउंसलर हो गए, 50 और अप्रोक्सीमेटली. बाद में ये सारे काउंसलर अपने में से एक पर्सन चुनेंगे जो उनका क्या होगा, मेयर. ठीक है, मेयर. और इस तरह से ये क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो हु इज द चेयरमैन, हु इज द हेड ऑफ कॉर्पोरेशन, मेयर. सिटी की बात करें, अगर स्मॉल सिटी की बात करें तो प्रेसिडेंट भी कहते हैं, चेयरमैन भी कहते हैं, लेकिन मेयर हमेशा कॉर्पोरेशन में ही होता है. मेयर की जो पोस्ट है वो कॉर्पोरेशन में ही होती है. थर्ड एक और है, वो है नगर पंचायत. नगर पंचायत उन एरियाज के है जो ना पूरे विलेज की तरह होते हैं, ना ही स्मॉल सिटीज होती है, ट्रांजिशन एरियाज होते हैं. उन एरियाज में नगर पंचायत का मतलब होता है जो अपनी उनकी लोकल बॉडी होती है उसको नगर पंचायत कहा जाता है. उनका भी मेन काम म्युनिसिपैलिटी की ही तरह हो. अब आप कहोगे कि मैम इनका काम क्या होता है, जो काउंसलर्स हैं, मेयर हैं, इनका काम है जलंधर के अंदर का एरिया, जलंधर के अंदर की रोड ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, पार्क, पब्लिक फैसिलिटीज जो है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन. तो जलंधर के बाहर के जो विलेज है उनको कौन देखता है फिर, मेयर का. मेयर की जो जुरिस्डिक्शन है वो सिटी के अंदर है, जलंधर के अंदर है, लेकिन जलंधर के बाहर के जितने भी विलेज एरियाज हैं, दीज आर कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डीसी. एक तरफ मेयर, और दूसरी तरफ अगर हम रूरल की बात करें, अब आ जाओ रूरल लेवल पे क्या होता है. इसको समझने के लिए बच्चे प्लीज, यहाँ पे ना डिस्टर्बेंस हो रही है, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव द एमसीक्यूज. ये क्लियर है, अर्बन लोकल सेल बॉडीज. ठीक है, म्युनिसिपैलिटी फॉर स्मॉल सिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर बिग सिटीज, नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरियाज. ट्रांजिशनल एरियाज का मतलब क्या होता है, ना वो प्रॉपर विलेज है, ना वो स्मॉल सिटीज है. वर्किंग सेम होती है. वर्किंग का मतलब क्या है, सिटी के अंदर की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है ये वे देखते हैं. 3 कोई भी फैसिलिटीज ले लो, पब्लिक पार्क, रोड्स. सपोज कल को अगर आजकल देखते हैं ना, जलंधर में रोड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप बोलोगे काउंसलर कुछ नहीं करवा रहे, मेयर देखो कुछ नहीं करवा.
आप उस पे ब्लेम करोगे, क्योंकि सिटी के अंदर की सारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, सैनिटेशन, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी है, वो सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? काउंसलर की ड्यूटी होती है या मेयर की ड्यूटी होती है। इनको प्रॉपर बजट मिलता है और वो बजट सिटी पे स्पेंड करते हैं। आज के टाइम पर में अगर जहां पे भी आप रोड कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, इट मीन्स वो काम कौन करवा रही है? कौन करवा रही है? कॉर्पोरेशन करवा रही है, ठीक है? अब ये ज्यूरिसडिक्शन कॉर्पोरेशन की। लेकिन जलंधर के बाहर बाहर के जो विलेज एरियाज हैं या जो भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक अलग से जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं रूरल बॉडीज भी कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज भी कहते हैं। इसको समझने के लिए प्रॉपर आपको पहले ये टेबल समझना पड़ेगा। रूरल रूरल जो है इसको आगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसको समझने के लिए आप ये सोचो कि यहाँ पे हम लेते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हो गया जलंधर, ठीक है? पूरा डिस्ट्रिक्ट यानी कि पूरे जलंधर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होगी? डीसी की। डीसी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर मतलब जो पूरे डिस्ट्रिक्ट से क्या कलेक्ट करेंगे? टैक्स। टैक्सेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर, प्लस डीसी के साथ और भी बहुत से पीसीएस ऑफिसर्स या जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो इनके साथ वर्क करते हैं हर सेक्टर में, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे एजुकेशन है, चाहे इंजीनियर्स हैं। ये सारे अपनी अपनी फील्ड के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो इनके साथ काम करते हैं। कल को अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर्स सॉल्व करने, एसडीएम, एसडीएम कौन होते हैं? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, यानी कि जो रजिस्ट्री के पेपर होते हैं, जो स्टैंपिंग लगती है, ये सारा आईएएस डिपार्टमेंट है। तो ये सारा डिस्ट्रिक्ट यानी कि डीसी के साथ असिस्ट करते हैं। ये सारी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जलंधर, जलंधर के आसपास के विलेजेस को प्रॉपर जो है वो चेक करते हैं। और ये जो लोकल बॉडी होती है इसको क्या बोलते हैं? जिला परिषद। जिला परिषद, जिला परिषद हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं। तो अगर आपको मैं ये बोलूं कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? जिला परिषद, ठीक है? जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डीसी, और साथ में जो इनकी प्रॉपर गवर्निंग बॉडी। नाउ डिस्ट्रिक्ट्स कैन बी डिवाइडेड। पंजाब के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? पहले 22 थे, अब कितने हो गए? 23, मलेरकोटला को ऐड कर दिया, ठीक है? अब टोटल 23, ये सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये डीसी, कितने डीसी हो गए फिर? 23 डीसी हो गए। हर डीसी अपना अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो देखेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं जलंधर की। नाउ जलंधर इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब होता है अलग अलग विलेजेस का ग्रुप। ब्लॉक लेवल, इसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को, वेट कर लेते कोई बात। डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ विलेज। एक ब्लॉक में 10 या 15 विलेज आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सपोज अगर हम ये कह सकते हैं कि जलंधर जो है वो आगे अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, टोटल 15 ब्लॉक्स आ गए। 15 ब्लॉक्स का मतलब, और इन सभी ब्लॉक्स के आगे कितने विलेज है? तो हर ब्लॉक यानी कि हर ब्लॉक का जो मेन हेड होगा उसको क्या बोलते हैं? बीडीओ। क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपने अपने ब्लॉक की सुपरविजन का जो भी रिपोर्ट है वो किसको देगा? डीसी को देगा। डीसी जो है वो हर ब्लॉक पे चेकिंग भी करेंगे। एक बार देखें, सपोज जिनके पेरेंट्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में हैं, वो कहते होंगे कि आज हमारे डीओ चेकिंग करने के लिए आएंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो आईएएस ऑफिसर है, ठीक है? तो वो डिस्ट्रिक्ट के अंडर काम करते हैं, आगे ब्लॉक्स की चेकिंग करते हैं, ठीक है? इसके बाद अब यहाँ का हेड है बीडीओ, तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे? ब्लॉक पंचायत। इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक पंचायत। इनके भी ब्लॉक समिति भी बोल सकते हैं, ब्लॉक पंचायत भी बोल सकते हैं, ठीक है? इनके भी प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, और इन इलेक्शंस में ब्लॉक्स के जो लोग हैं, हर विलेज के जो लोग हैं, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। आपके यहाँ आवाज बहुत आ रही है, अगर नहीं समझ आएगा ना तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी। ब्लॉक्स, ब्लॉक्स को आगे डिवाइड किया गया है विलेज। सपोज एक विलेज है ना, कोई भी जलंधर का एक विलेज ले लेते हैं, चलो लांबड़ा विलेज है, लांबड़ा विलेज का नाम है, हाँ जी, ठीक है? अब उस विलेज में इलेक्शंस में जो भी पंच और सरपंच होंगे वो उस पर्टिकुलर विलेज को ही देखेंगे,
तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत। ठीक है, हमारी कंट्री का रूट लेवल क्या है, पंच एंड सरपंच, पंच एंड सरपंच की मीटिंग होती है और कई बार ब्लॉक्स बीडीओ इनकी मीटिंग्स बुलाता है। बीडीओ ये बेटा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट बात हो रही है तो मैं वेट कर लेती, कोई बात नहीं, क्या आप बच्चों की बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, आई कैन वेट, वैसे टाइम वेस्ट हो चुका है, कोई बात नहीं, आई कैन वेट। कंटिन्यू कर लूं, अर्पित हो गई आपकी बातें, कुछ कर रहे हो, पुष्कर समझ आ रहा है बच्चे, हाँ जी। कई बार क्या होता है वीडियो जो है अपने अंडर आने वाले पंच और सरपंच की मीटिंग करते हैं, सपोज एक वीडियो जो है वो अपने अंडर आने वाले पंच और सरपंच की मीटिंग में अपने विलेज एरियाज में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, फार्मर की प्रॉब्लम्स हैं, इरिगेशन की प्रॉब्लम है, या किसी पर्टिकुलर जैसे हम कहते हैं कि कोई रिवर है या कैनल्स लगिंग की प्रॉब्लम है, स्कूल की प्रॉब्लम है, वो सारी डिस्कशन इनकी लोकल लेवल पे होती है। लेकिन ये तो है इनके अलग अलग लेवल्स, सबसे एक और सबसे छोटा एक यूनिट जो लेवल होता है उसको बोलते हैं ग्राम सभा। क्या होती है ग्राम सभा? ग्राम सभा का मतलब है एक विलेज, उस विलेज में जितने भी लोग जिनकी एज 18 से ज्यादा हैं, दे विल बी कॉल्ड एज ग्राम सभा। ग्राम सभा अपने में से किनको चुनती है? पंच एंड सरपंच। इसका मतलब सपोज एक विलेज है, उस विलेज में 1000 लोग हैं, क्या 1000 के 1000 ग्राम सभा के मेंबर हैं? उसमें बच्चे नहीं होंगे, जिनकी एज 18 से ज्यादा है, ओनली दे विल बी द मेंबर्स। सपोज 800 है, ठीक है, 800 क्या हो गए, 800 क्या हो गए, 800 क्या है, ग्राम सभा। 800 लोग अपने में से पंच और सरपंच चुनेंगे और वो क्या बनेगी, विलेज, विलेज पंचायत। अब एक और पोस्ट होती है जो इलेक्टेड नहीं होती, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी। हर विलेज में ना एक पंचायत का सेक्रेटरी होता है, उसकी जो पोस्ट होती है वो गवर्नमेंट पोस्ट होती है। पंच और सरपंच 5 साल के बाद चेंज हो जाएंगे, लेकिन पंचायत सेक्रेटरी चेंज नहीं होगा, वो परमानेंट होता है, बिकॉज उनकी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट देती है और वो ही कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ ग्राम पंच। 6th क्लास में आपको याद होगा एक और कंसेप्ट पढ़ा था आपने, पटवारी। कौन होते हैं पटवारी? लैंड रिकॉर्ड्स। अब विलेज एरियाज में हर एक फार्मर के पास जो लैंड है, कितने एकड़ लैंड किस फार्मर के पास है, आए दिन फार्मर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। तो विलेज में एक और पोस्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, विलेज पटवारी। पटवारी का मेन काम क्या होता है, लैंड रिकॉर्ड्स, यानी कि हर फार्मर के पास कितनी लैंड है और उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो उगती है, उसका सारा रिकॉर्ड रखते हैं। इसी रिकॉर्ड यानी कि ग्रास रूट लेवल पे, अब सपोज डीसी को ऑर्डर आया, पंजाब गवर्नमेंट यानी कि सीएम ने ऑर्डर, सपोज एक एग्जांपल है, सीएम ने ऑर्डर दिया डीसी को कि अपने डिस्ट्रिक्ट में आप प्रॉपर देखो कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने परसेंट वीट है, कितने परसेंट राइस है, आगे काम कहां पे बांटा जाएगा। डीसी क्या करेंगे, किसको देंगे, अपने अपने अंडर जितने भी बीडीओज है उनको देंगे। बीडीओज क्या करेंगे, अपने अंडर आने वाले पंचो सरपंच को देंगे। पंचो सरपंच खुद नहीं करेंगे, कौन करेगा ये काम, सेक्रेटरी एंड पटवारी। और इस तरह से विलेज के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, ताकि लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को अपर लेवल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट तक हाईलाइट किया जाए। अच्छा, इनके सोर्सेस कहाँ से पैसा खर्च करते हैं, ये मनी कहाँ से मिलती है इनको, तीन तरह की मनी होती है, ग्रांट्स, इसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। नंबर वन ग्रांट्स, नंबर टू टैक्सेस, एंड थर्ड इज चैरिटी। ग्रांट्स आर गिवन बाय द सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देती है, ग्रांट्स मतलब फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल हेल्प। लेकिन ये कहावत है, कहा जाता है कि सेंटर ने दिया स्टेट को 1 लाख, स्टेट ने आगे डिस्ट्रिक्ट को दिया 50,000, डिस्ट्रिक्ट ने आगे
ब्लॉक को दिया 25,000, ब्लॉक ने आगे विलेज को दिया 10,000. दिस इज द रीजन व्हाई विलेजेस आर नॉट डेवलपिंग इन आवर कंट्री. ये ग्रास रूट लेवल पे मनी नहीं पहुंचता. रीजन क्या है? ग्रांट्स. ग्रांट्स आगे क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है. सेकंड क्या है? टैक्सेस, जो लोग टैक्स देते हैं. थर्ड है चैरिटी. एरिया के जो रिच लोग हैं सोशल सर्विस के लिए कुछ अमाउंट मनी दे देते हैं. सपोज विलेज में एक रिच फार्मर है, वो कहता है कि एजुकेशन के लिए, बच्चों को स्कूल के लिए मैं लैंड देता हूँ. तो कई बार क्या होता है कि पंच और सरपंच के पास अगर पैसा नहीं होता तो कई बार जो रिच लोग हैं वो भी चैरिटी के नाम के ऊपर लैंड या सोर्सेज जो है वो दे सकते हैं. पब्लिक लाइब्रेरी बना दी जाती है. कई बार गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं भी आती, लेकिन फिर भी क्या होता है उस एरिया के लोकल लोग जो हैं अपने आप मिलकर अपने लिए जो है वो डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाते हैं. क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट है? नॉन डाउट तो है ही नहीं.